काम है लोगों को सही राय देना, अब लोग माने या ना माने वो है उनके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम शदाब भाई, कैसे वालेकुम हैं अस्सलाम। आप? अस्सलाम, कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र है भाई। शदाब भाई, ये लो हमारा पासपोर्ट और हमें सऊदी भेज दो। शदाब भाई, हमने सुना आप 10-12 साल वहाँ पे लगा के आए हो, वहाँ पे आपको अच्छी मालूमात है, आपकी पहचान भी है, और देखो इंडिया में तो कारोबार देखो ख़त्म हो चुके हैं, यहाँ पे कितना भी कमा लो गुजारा नहीं है, जिम्मेदारियाँ बहुत है। क्या काम करो तो फिलहाल यहाँ पे अपने मेरी पान की दुकान है शादाब भाई, पान पान की कितना की दुकान है, पान लगाता हूँ मैं, कमा लो डेली? दिन का यही कोई 1000-1200 रुपये तो हो ही जाए पूरे दिन में। अच्छा, सऊदी अरब जाना चाह रहे हैं, पैसे हाँ कमाने शादाब के भाई, लिए सऊदी जाके कुछ मेहनत कर लूंगा, कुछ कमा लूंगा हजार 1200 रुपये यहाँ कमा रहे तुम, किस जी। काम में जाना चाह रहे हैं? शादाब भाई ड्राइविंग में जाना चाहता हूँ, मुझे ड्राइविंग में भेज दो। अच्छा, ड्राइविंग चले जाओगे? चले जाएंगे, कोई बात नहीं भाई, 70 से 80 हज़ार रुपये खर्चा होगा। देखो ये तुम्हारे लिए है 70 से 80 हज़ार, अगर जो कहीं और जाओगे ऑफिस वगैरह में वे उतारेंगे 1.25 लाख 1.5 लाख। मतलब मेरे लिए आपकी वजह से 70-80 हज़ार 70 से 80 हज़ार रुपये लगेंगे, और जिसमें मेडिकल तुम्हारा होगा, सारे खर्चे ड्राइवरी मैं। में भिजवा दूंगा भाई, बेफिक्र हो जाओ, चले जाओ। चलो शादाब भाई, वहाँ के बारे में कुछ मुझे बताओ सऊदी अरब के जी, वहाँ के बारे में कुछ जानकारी दो जो मुझे वहाँ पे जाके परेशानी ना हो। जानकारी तो तुम्हें देनी पड़ेगी, जब तुम यहीं 1000 1200 रुपये कमा रहे तो जानकारी वैसे मैं देता नहीं, जी, क्योंकि मेरे पे इतना टाइम नहीं है। लेकिन जब तुमने कहा ना कि मैं 1000 1200 यहीं कमा रहा, तो मेरा भी फर्ज बनता है तुम्हें जानकारी दूँ। इसीलिए ही शराब भाई मैं आपके पास आया हूं। 2009 में गया था सऊदी अरब में मैं, 2009 एयरपोर्ट पे जब पहुंचा तो सऊदी का लड़का मुझे लेने के लिए आया, और साथ में एक अफगानी लड़के को लेकर आया ट्रांसलेट कराने के लिए लैंग्वेज, अच्छा, क्योंकि मुझे तो हिंदी आती थी, हाँ अरबी आती नहीं थी। हाँ वहाँ पे सऊदी में अरबी। अब मैं उतर गया, अब उसने मुझे पहचान लिया, क्योंकि मैं तो एक ऑफिस के थ्रू गया था। जी अच्छा, ऑफिस वाले क्या काम करें, हमारे फोटो वहाँ भेज दें, उसने मुझे देखते ही पहचान लिया। ऐसा करके उसने मुझे बुलाया, सऊदी ने हाँ सऊदी के लड़के ने जी जी मेरा पासपोर्ट लिया और गाड़ी में बिठा के मुझे ले गया कमरे। अब उसने, जो अफगानी लड़का था, उसने मुझे बताया कि ये सऊदी है, एक लड़का है इसके जो तुम्हें लेके आया, और इसकी जो है ना बच्चे हैं वो स्कूल जाएंगी, तुम्हें गाड़ी चलानी है, तुम्हें गाड़ी चलानी है और सीधे तरीके से चलना। जी मैं क्या भाई, गाड़ी तो मैं चला लूंगा, लाइसेंस है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं, न तो बस बेफिक्र होकर रहो, वो ये कह के चलता बना। जो ट्रांसलेट था। हाँ, जो अफगानी था वो। अच्छा, अगला दिन आया, उससे अगला दिन आया, कोई नहीं मेरे पास आया। अब ये देख लो कि मुझे खाने की बहुत दिक्कत हुई, यहां से जाने के बाद हाँ, क्योंकि जिस कमरे में मैं पहुंचा वहाँ कुछ सामान था, गैस बर्तन वर्तन, तो अब सामान कहाँ से लाऊं, दुकान पे कैसे जाऊं, इस सामान को क्या बोलते हैं, बाहर कैसे निकलूं, कुछ पता ही नहीं। तो वो हिम्मत सी करके मैं गया, और दरवाजे की मैंने बेल बजाई, घर में से एक आया, ए सबका, अब तो मेरे पर भी आवे, हाँ, ए सबका ले, यानी इसका वो मतलब हवो कह रहा कि तू यहाँ क्यों आया, क्या अच्छा चाहिए, अच्छा यानी उस टाइम मुझे नहीं पता था, तो मैं इशारे में कहा,
अरे खाना तो दो। ए सॉरी, मैं ला के देता हूँ। यानी 2 दिन? अरे 2 दिन पूरे नहीं हुए थे। एक दिन तो मैं आया तो उन्होंने सोचा होगा खा पी का आया लाया होगा। उन्हें इतनी भी मतलब समझ में नहीं होती कि अच्छा, वो लोग ये नहीं देखते कि ये है कौन। उनके लिए ना हिंदू से मतलब, ना मुसलमान से मतलब, ना सिख ना ईसाई, किसी से मतलब नहीं। उन्हें इतना पता कि ये हमारा नौकर है, काम करने के लिए आया। और पैसा इतना है उन लोगों पे कि उन्हें परवाह ही नहीं है। वो इतनी हमारी फिक्र नहीं करते। कुछ लोग ऐसे हैं जो करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं करते। अब जाने हमारा नसीब, हम तो ऐसे लोगों में पहुंच गए। 2 दिन आपको खाने के लिए नहीं पूछा? पौने 2 दिन, दो अच्छा दिन नहीं हाँ हुए थे, यानी एक दिन तो सोचा कि खाना खा गया हाँ होगा। अगले दिन तो मैं शाम को वहां पहुंच गया, पूरा दिन हो गया, खाना कुछ है, अब मैं कहां से जाऊं। फिर वो नमाज के लिए मैं गया तो एक दो आदमी मिले, तो उनसे कुछ जानकारी ली। ये सच्ची बात बता रहा मैं तुम्हें हाँ कि यार मैं इंडिया से आया हूँ और ऐसे ऐसे यार ये परचून की दुकान को क्या बोलते हैं, खाना कैसे मिलेगा, सऊदी से कैसे बतलाऊँ। अब जो जिस जैसा हिसाब से था बतला रहा था मुझे। हाँ कुल मिला के वहां तो मैं नहीं जा सकता, जो मेरे पे बीतता दो बिल्कुल से 4 दिन 6 दिन वहां तो मैं नहीं बतला सकता क्या मेरे पे बीतता। कुछ लोग यकीन करेंगे, कुछ लोग यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि सही बात है। नया आदमी जब उतरता है ना तो उसकी हवा खराब हो जा, क्योंकि उसके लिए तो दुनिया अलग ही नजर आवे बिल्कुल सऊदी अरब के अंदर। और दिन बड़ा हो रहा, और नसीब हमारा ऐसा कि हम पहुंचे भी छुट्टियों वाले दिन, वहां छुट्टियां पड़ी हुई थी, लोग सो रहे। बाहर को मैंने देखा, अब जब 5 6 दिन हो गए तो थोड़ा सा पैर खुलने लगे, बाहर देखा तो बिल्कुल कर्फ्यू, एक बच्चा मुझे नहीं दिखाई दे रहा, सन्नाटा बिल्कुल। बिल्कुल सन्नाटा। अब वो एक हिंदी लड़का था, उससे थोड़ी सी दोस्ती बढ़ाई, उसने मुझे थोड़ा सा सामान दिलवाया। उसने मुझे जो बात है 200 रियाल दिए थे उस लड़के ने, सऊदी के। तुम्हें सपोर्ट करा? नहीं, उस लड़के ने अच्छा, जो सऊदी का था। अच्छा कुल मिला के 15 से 20 दिन के बाद जब वहाँ पे स्कूल खुले, ऑफिस खुले, छुट्टियाँ खत्म हुई, मेरा काम शुरू हुआ, तो कभी कभी मैं रास्ता भूल भी जाऊँ था। हाँ, नई जगह जाके तो अब एकदम। सऊदी है, सऊदी ने एक बार बतला दिया कि यहाँ को चलो। अब अल्लाह मेरे, इधर को गया था मैं कल, अब आज कैसे जाऊं। और वो गाड़ी में मुझसे चीख रहा, सऊदी लेश लेश इंता माफी मालूम, ले माफी मालूम इंता तरीक, इंता माफी मालूम या मोहम्मद, माफी मालूम इंता तरीक। अबे यार, मेरी तो बोलती बंद है, सांप सुन गया हूं जैसे, मुझे मैं ऐसा हो गया जैसे मुझे सांप सुन गया हूं। सऊदी है, मैं डर रहा बहुत अंदर से। जो तू करके मैं आया तो उस लड़के से ही मैंने पूछा, हिंदी वाले से, उनका यार ये सऊदी है बहुत चीखता है यार ये तो मेरे पे, मैं तो अभी तो आया घर से, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के, अपनी माँ को छोड़ के आया मैं यार, मेरी माँ बीमार थी तो मेरा तो पूरा ध्यान अभी वहीं है ना, मुझे नहीं पता चल रहा यार मैं क्या करूं। सही बात। मैं यार ये लोग ऐसे ही हैं, तुम थोड़ा सा ध्यान ध्यान से ध्यान रखो, कौन सी बिल्डिंग आई, कौन सी ऐसी 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 जगह पकड़ लो, कोई बिल्डिंग का नाम लिखा, हाँ यहाँ से गुजरा था। अच्छा भाई अच्छा। अब वो वहां के हमें तौर तरीके इतने मालूम नहीं है, हाँ क्योंकि वहां पे स्टेयरिंग उल्टा हाथ पे है। थोड़ी सी भी अगर जो उस टाइम उससे गलती होती थी तो उसका बहुत बड़ा पहाड़ बनाता था, वो सऊदी का लड़का बहुत बड़ा, बहुत चीखता था मेरे पे। जैसे तैसे करके मैंने 1 महीना निकाल दिया।
उसने पैसे तो मुझे टाइम पे दिए, पैसे आ गए मेरे पे। तो उस टाइम पे मेरी 1200 रियाल सैलरी थी 2009 में। जी, 1200 रियाल। अब उसने मुझे कहा, हिंदी लड़के ने जिससे मैंने दोस्ती करी, कि इसमें से तुम 300-400 रियाल अपने पास रखो और फला जगह बैंक में जाओ, वहां पे घर पे लगा दो। आपको हाँ, अब मैं बैंक में गया इससे कह के सऊदी से, तो वहां भीड़ लग रही लाइन में, कैसो अब ये मेरे पे दे फोन दे फोन, सऊदी वे निंता वे निंता वे निंता, ना रो ना रो सगल, ना रो मिसवार, ताल ताल ताल। अब मेरे हाथ पैर फूल गए, अभी क्या करूं, उल्टे सीधे पैसे लगा, उनमें से शायद उस टाइम पे मेरे याद है 200-400 रियाल मेरे निकल गए थे जल्दबाजी में। जल्दीबाजी में, तो मैं 500-600 रियाल ही थे एकदम हबड़ दबा। भाई ने मेरे हाथ पैर फूल गए, अब हाथ पैर फूल जाओ तो गाड़ी भी, अब नई जगह नहीं जगह नया शहर नए लोग, बोली मुझ पर नहीं आती, मैं परेशान हो गया। अपने यहाँ के मालूमात होती है, दूसरी जगह जाके थोड़ी परेशानी होती। सही बात। हाँ मैं बहुत परेशान हो गया। तो मैंने बड़ी मुश्किलों से, बड़ी बड़ी मुश्किलों से, वो मुश्किलों भी मैं तुम्हें थोड़ी सी बता दूं, कि एक बंगालियों का ढाबा था, तो वो 2 रुपए 2 रियाल में चने की दाल और एक पराठा देता था। 2 रियाल में एक चने की दाल एक पराठा, वो मेरे हाथ लग गया। बस मैं वहां से खाना खाना शुरू कर दिया। अब वो यही सोच के कि यार ये जल्दी से पैसे उतार जा, अब मैं वही दाल रोटी खाता था। फिर मैं ईमो पे, मैंने मोबाइल यहीं से ले गया था। अच्छा, हाँ, तो 40 रियाल का मैंने एक 2 GB का सिम खरीदा था उसी, सऊदी में। हाँ सऊदी से। वाईफाई वाईफाई को कुछ पता ही नहीं था उस टाइम पे। तो मैंने उस लड़े, एक मेरा दोस्त था उससे बात करी, तो उसने मुझे पहले बतलाया था कि शादाब भाई तुम कितने पैसे कमा रहे हैं, यहाँ गाड़ी चलाओ टैक्सी में। मैंने कहा भाई कमा लूँ 700-800 रुपये। तो उससे जब मैंने बात करी कि मैंने तुमसे क्या कहा था कि अगर जो तुम 700-800 रुपये अपने इंडिया में रह के सुकून से अपने घर में रह के कमा रहे, तो 700-800 रुपये सुनना है 2009 में। उसके बाद सऊदी ने 5 गाड़ी में डेली धोता था सुबह ही। सऊदी धुलवाता था तुमसे। हाँ, अपने लड़के की, अपनी बीवी की, अपने बच्चों की, एक दो तो उनके वैसे ही खड़े रहे। तुम तो ड्राइविंग में गए थे ना। सुबह में, हाँ सुबह में गाड़ी धोता 5। तो जब मैंने उससे कहा कि थोड़ा थोड़ा मुझे, फिर उस लड़के ने बताया कि मुदीर मुदीर के ना बॉस को, मुदीर माफी इतफाक खमसा, यानी 5 गाड़ी मेरे मैंने नहीं तय करके आया, खलास ऐसा था, खलास खाली वाली, मतलब यानी इत्तेफाक खलास, मैं नहीं मानता इत्तेफाक, काम करो अच्छा यहाँ। अच्छा तो कहने का मतलब ये है, स्टोरी तो बहुत लंबी है और उस स्टोरी में बहुत ट्विस्ट भी है और कहानी बहुत ही जबरदस्त है, अगर जो मैं सुनाने लगूँ तो। अच्छे लोग भी वहां बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि बुरे लोग नहीं है, उस वक्त में बुरे भी बहुत थे जो नाजायज फायदा उठाते थे। सही बात। मैंने 6 महीने, फिर मैंने ये सोचा कि मैं आया क्यों, 6 महीने इतनी मुसीबत भरी शुरू शुरू में जाके। फिर मुझे वो ही दिन याद आए कि यार जब तू 500-600-700 रुपये अपने घर कमा रहा था, तो तू यहाँ 1200 रियाल पे क्यों आया। सही बात है। और वो 5 गाड़ी मैंने 3 साल तक कंटिन्यू धोई, कंटिन्यू, एक दिन की नागा नहीं थी। जब दोबारा गया तो सब कुछ सीख गया, तो होशियार हो गया, जी सब कुछ पता था, अरबी जानता था, तो कोई बेवकूफ नहीं बना सके था। सही बात। और वो दूसरा घर, दूसरा बीजेपी जमा का, क्योंकि इसने तो इतना परेशान मुझे किया कि
इतना परेशान किया। एक बार मैं जब शुरू शुरू में मैं उसके अफगानी आया हुआ था उससे बात करी, मंगया यार कोई आदमी अगर जो इंडिया से पाकिस्तान से श्रीलंका से कोई नया आदमी आता है तो 2-3 महीने तो वो टेंशन में ये रहता है कि यार माँ कैसी होगी, बहन कैसी होगी, भैया कैसे होंगे, तो यहाँ का बिल्कुल रास्ते कैसे समझूं, यहाँ की बोली कैसे समझूं, कम से कम ये थोड़ा नरमी रखे अपने लफ्जों में तो मैं कुछ सीखूं भी। तो सही बहुत ऐसे हों जो नरमी नहीं बरतते, बहुत ऐसे हैं जो तुम्हें हर फैसिलिटी देंगे, हर सहूलियत देंगे, बहुत ऐसे हैं जो उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें काम चाहिए उन्हें काम चाहिए। ठीक है भाई, तो जी। आप बेफिक्र हो जाओ, मैं भिजवा दूंगा आपको सऊदी। शादाब भाई मेरा पासपोर्ट उठा दीजिए। क्यों, क्या हुआ? मैं यही ठीक हूँ, मैं मेरा अल्लाह का शुक्र है, मैं 1,000-1,200 रुपये यहीं कमा रहा, मेरे लिए वही बहुत है शादाब भाई। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। जल्दी समझ में आ गया। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हमने क्या कहा था, हमारा काम है लोगों को सही सलाह देना, आगे उसका खेल है भाई। 1,000-1,200 यहाँ कमा रहा, अगर जो यहाँ कुछ नहीं कमा रहा, बिल्कुल हाथ टिक लिए, अब यो देख रहा कि 100 रुपये भी नहीं कमा रहा, तो भाई चला जा, फायदा है। जब 1,000-1,200 ऊपर वाला तुझे यहीं दे रहा घर के घर में, अरे क्या जरूरत है यूरोप जाने की, सऊदी जाने की, दुबई जाने की, अपने घर में कमाओ। बताइए सही ये इसलिए मैंने इसे किस्सा सुनाया है। ताकि इसके दिमाग में ऐसे तो आने की नहीं, अजय मैं कहूंगा सामने से कि भाई मत जा, तो सोचेगा इन्हें जलन हो रही। तो इन्हें जरा बात बतला के समझाया, आपने अपनी बीती बताई ना हाँ उसको, ये सच्ची है। तो आपकी बीती पे वो 1,200 रियाल उनके में से 20,000 रुपये यहाँ पड़ेंगे और नहीं, 32,000 यहाँ कमा रहा, 1,000-1,200 बता अब रहा, तो चलो 1,500 मिलेंगे, उस टाइम मिलेंगे 30 हो 12। जाएंगे। हाँ ये जो आपने जो बीती बताई ना इसको, ये जो गया है अभी के लाइए शादाब से पासपोर्ट दे बीस दीजिए, अपने घर के कितने बढ़िया, तो ये चला गया है। देर अन्नी समझ है, में आई देर अन्नी से। है यही कहता है कि देखो यार भेजने के मारे मुझे वो कर दिया है शादाब हम तो भाई। लोगों को भला चाहते हैं, बिल्कुल ऊपर वाला हमसे हाँ भला कराओ जा। बिल्कुल, भला ही होगा इंशाल्लाह। आपकी आदत बहुत ही अच्छी है इस मामले में कि आप परेशान नहीं करना थैंक यू। यू है।